हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जसबीर कौर क्रिएशन। आज मैं आपके सामने ऐसे जो है टी कोस्टर बना के लेके आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही ईजी हैं और बिगनर्स भी इसको ईजली बना सकते हैं। आप मेरी वीडियो में जाके इसको ईजली बनाना सीख सकते हैं। जब आपको इसको यूज़ करना है तो आप ऐसे इनको सेट करके इनको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ होने के बाद आप इसको ऐसे फोल्ड करके, ये हमने साथ में एक पॉट बनाया है, आप यहाँ पे भी इसको सेट कर सकते हैं। इनको ऐसे फोल्ड करेंगे, ओके फ्रेंड्स। यूज होने के बाद आप इसको ऐसे एज ए फ्लावर पॉट के लिए इसको ऐसे आप टेबल पे सेट कर सकते हैं। ये हमारा 2-in-1 फ्लावर पॉट, देन ये हमारा टी कोस्टर है। इसको बनाने के लिए हमने ये 3 शेड का यूज किया है। आप चाहे अपनी मर्जी से कोई भी 3 कलर यूज कर सकते हैं। ऐसे टी कोस्टर बनाने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, कोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम ये वाला शेड यूज करेंगे। थ्रेड को ऐसे लेंगे, यहाँ पे एक मैजिक का सर्कल बनाएंगे, यहाँ से नया एक स्टिच बनाएंगे मैजिक का सर्कल के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा मैजिक का सर्कल रेडी हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 हमने बना ली है, ये 2 और 3 चेन, डबल क्रोशिया। थ्रेड को ऐसे घुमाएंगे, 3 3 का 2 करेंगे, अगेन रिंग में डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे हम कंटिन्यू डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, 13 टाइम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके फ्रेंड, ये हमने 13 टाइम जो है डबल क्रोशिया बना लिया है। क्योंकि ये हमारा मैजिकल सर्कल है, इसलिए यहाँ से थ्रेड की जो है टेल पकड़ेंगे और यहाँ से इसको खींच के अच्छे से टाइट करेंगे। अगेन स्टिच को हुक में लेंगे और जो हमारा फर्स्ट वाली चेन में स्टिच है, यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये हमारा स्लिप स्टिच बना दिया हमने। ओके फ्रेंड्स, अगेन हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। सेकेंड राउंड के लिए 1 2 3 चेन, सेम स्पेस में से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्पेस में से, नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, अगेन 2 टाइम डबल क्रोशिया। ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। इस चेन में सभी स्पेस के ऊपर से हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। तो 13 का डबल हमारे पास 26 जो है डबल क्रोशिया रेडी हो जाएगा। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया है, ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, सबके ऊपर 2-2 जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे और 26 जो है हमारे पास डबल क्रोशिया रेडी हो जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यू करके अपना ये सेकेंड राउंड कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में अगेन यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे 2 टाइम। यहाँ से जो हमारा फर्स्ट वाली चेन हमने बनाई थी, वहां से ऐसे क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और एक स्लिप स्टिच बना के बाहर आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी हम थर्ड राउंड बनाएंगे। थर्ड राउंड के लिए 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाले स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, नेक्स्ट स्पेस में 1 डबल क्रोशिया 1 चेन, नेक्स्ट स्पेस में 1 डबल क्रोशिया 1 चेन, नेक्स्ट
वन डबल क्रोशिया, वन चेन, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। सभी स्पेस में से हमने वन टाइम जो है डबल क्रोशिया बनाना है और सभी डबल क्रोशिया के बीच में वन चेन बनानी है। ऐसे ही कंटिन्यू करके अपना ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम एंड में आ गए हैं। एंड में अगेन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, वन चेन, वन डबल क्रोशिया, वन चेन, और लास्ट में फिर से यहाँ पे एंड में जाएंगे जहाँ से हमने चेन स्टार्ट की थी, यहाँ से एक स्लिप स्टिच लेंगे और बाहर आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा ये जो है थर्ड राउंड ये भी कंप्लीट हो गया है। फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। फोर्थ राउंड बनाने के लिए वन चेन, अभी ये जो जितने भी स्पेस हैं इनमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे टू टाइम। नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया टू टाइम, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया टू टाइम। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए ऐसे इंसर्ट करेंगे, टू टू का ऐसे बाहर निकाल के वन करेंगे। अगेन सेम स्पेस में जाएंगे, टू टू का वन करेंगे। सभी स्पेस में से हमने टू टाइम जो है सिंगल क्रोशिया कंटिन्यू करना है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही कंटिन्यू करके हम अपना ये जो है फोर्थ राउंड कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम एंड में आ गए हैं। एंड में अगेन सिंगल क्रोशिया टू टाइम, सभी स्पेस में से हमने टू टाइम सिंगल क्रोशिया बनाया है और ये हमारा जो राउंड है कंप्लीट हो गया है। लास्ट में इस स्टिच को ऐसे बड़ा करेंगे, देन यहाँ से बैक साइड से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और ये जो हमने बड़ा स्टिच किया है इसको हुक में लेंगे और बैक साइड से ऐसे पीछे इसको खींच लेंगे। अगेन यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, थ्रेड को बाहर निकालेंगे और कटर की हेल्प से कट करेंगे, थ्रेड को अच्छे से टाइट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा जो है इसके सेंटर का पार्ट रेडी हो गया है। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ से कहीं से भी आप जहाँ से चाहें वहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे ग्रीन थ्रेड ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से एक स्टिच बनाएंगे। थ्रेड को अच्छे से टाइट करेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन टू थ्री चेन बनाएंगे, सेम स्पेस में डबल क्रोशिया। ये जो चेन हमने बनाई है इसको भी हम डबल क्रोशिया में ही काउंट करेंगे और ये सेकंड वाला हमारा डबल क्रोशिया है, तो हमारा ये टू टाइम जो डबल क्रोशिया हमने सेम स्पेस में से बनाया है। नेक्स्ट यहाँ पे चेन बनाएंगे वन टू, यहाँ पे वन टू चेन बना ली है। नेक्स्ट थ्रेड को ऐसे घुमाएंगे, सेम स्पेस में जाएंगे, अगेन यहाँ से डबल क्रोशिया सेम स्पेस में से बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास ऐसा पैटर्न रेडी हो जाएगा, ये टू डबल क्रोशिया, टू चेन, टू डबल क्रोशिया। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट चेन बनाएंगे वन टू थ्री चेन, यहाँ से वन टू थ्री फोर स्किप करेंगे और फाइव वाले में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और अगेन यहाँ से डबल क्रोशिया,
सेम स्पेस में से टू टाइम बनाएंगे, टू चेन, सेम स्पेस में से अगेन डबल क्रोशिया, टू टाइम बनाएंगे, अगेन हमारे पास ऐसा पैटर्न रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट 1 2 3 चेन, 1 2 3 4 और 5 वाले में जाएंगे, अगेन डबल क्रोशिया बनाएंगे टू टाइम सेम स्पेस में से, टू चेन बनाएंगे, 1 2 सेम स्पेस में जाएंगे, अगेन टू टाइम डबल क्रोशिया, ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और अपना ये वाला राउंड जो है कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में अगेन टू चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 और 5 वाले में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, यहाँ से टू टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, टू चेन बनाएंगे, अगेन डबल क्रोशिया टू टाइम बनाएंगे, थ्री चेन बनाएंगे। नेक्स्ट जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था वहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और यहाँ से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, और सिंगल क्रोशिया करके बाहर आ जाएंगे, कटर की हेल्प से कट करेंगे, थ्रेड को अच्छे से टाइट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हम रेड कलर की वूल का यूज करेंगे। यहाँ से जो हमने इनके बीच में स्पेस रखा है यहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, देन ये रेड थ्रेड लेंगे, यहाँ से एक स्टिच बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये हमने 1 चेन बना ली है। नेक्स्ट 2 3 4 ये हमारी 4th चेन है, अगेन यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 टाइम, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने 5 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया है, 1 चेन बनाएंगे, और जहाँ से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, और ये जो हमारा बड़ा वाला स्टिच है इसको ऐसे क्रोशिये में पकड़ेंगे और यहाँ बैक साइड से ऐसे ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 टाइम, अगेन 3 चेन, सेम स्पेस में से सिंगल क्रोशिया, थर्ड टाइम अगेन 3 चेन और सेम स्पेस में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसे हमारा जो है ये रेडी हो जाएगा फ्लावर। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से बर्ड रेडी हो गए हैं और ये एक फ्लावर की शेप बन गई है। नेक्स्ट चेन बनाएंगे, 1 2 3, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच लेके ऐसे बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट 3 चेन, 1 2 3,
नेक्स्ट वाले जो है ग्रीन वाला, इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ पे जाएंगे, 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 चेन बनाएंगे, इस स्टिच को ऐसे बड़ा करेंगे, यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, और ये जो बड़ा वाला स्टिच है इसको क्रोशिया में पकड़ेंगे, देन बैक साइड से इसको ऐसे ले लेंगे, 3 चेन बनाएंगे स्पेस में जहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे स्पेस में जाएंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, और हमारे ऐसे जो है एक बड रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट 3 चेन बनाएंगे, सेम स्पेस में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये हमारे पास सेकंड बड रेडी हो गई है। नेक्स्ट 3 चेन, सेम स्पेस में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, और बाहर आ जाएंगे। अगेन 1 2 3 चेन बनाएंगे, ये हमारी जो है सेकंड वाला फ्लावर रेडी हो गया है। ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और सबके ऊपर जो है ऐसे वाले फ्लावर बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम एंड में आ गए हैं। एंड में अगेन हम यहाँ से इन दोनों के बीच में से ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे, 3 चेन, यहाँ पे 5 टाइम डबल क्रोशिया, वन चेन बनाएंगे, इस स्टिच को थोड़ा बड़ा करेंगे, यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, और ये वाले स्टिच को ऐसे बैक साइड से ऐसे यहाँ से फ्रंट में ले आएंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट 1 2 3 चेन, यहाँ से जो यहाँ राउंड बना है यहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से स्लिप स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट 1 2 3 चेन, सेम स्पेस में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से स्लिप स्टिच लेके बाहर आ जाएंगे, ये ऐसे 2 बन गए हैं बर्ड। नेक्स्ट 1 2 3 चेन बनाएंगे, यहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से स्लिप स्टिच लेके बाहर आ जाएंगे, ये ऐसे हमारे पास 3 रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट 3 चेन, 1 2 3 चेन, और यहाँ से इस स्पेस में जाएंगे और सिंगल स्टिच लेंगे। नेक्स्ट 3 चेन, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, और यहाँ से स्लिप स्टिच लेके बाहर आ जाएंगे, थ्रेड को अच्छे से टाइट करेंगे, कटर की हेल्प से कट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ये बैक साइड में जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड है इनको हाइड करेंगे। हाइड करने के लिए हम ऐसे थ्रेड को लेंगे, यहाँ से क्रोशिया किसी भी हुक में ऐसे डालेंगे, और ये थ्रेड को यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे, और यहाँ से ऐसे सिंगल स्टिच लेके बाहर आ जाएंगे, अच्छे से टाइट करेंगे। नेक्स्ट वाले में जाएंगे, यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे,
देन यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे। जैसे हमने ये वाला थ्रेड को हाइड किया है वैसे ही हम बाकी जो थ्रेड है इनको भी हाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने ये बैक साइड से सारे थ्रेड जो हैं इनको हाइड करके कट कर लिया है और ये हमारा जो है कोस्टर रेडी हो गया है। ये हमने 3 कोस्टर ऐसे रेडी कर लिए हैं। नेक्स्ट अभी हमने ये कोस्टर हैं एक पॉट में सेट करने हैं। तो पॉट बनाने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम ये वाले कलर का पॉट बनाएंगे जहाँ पे इनको हम सेट करेंगे। अगेन हमने ये वाले थ्रेड को लिया है, यहाँ से एक मैजिकल सर्कल बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा मैजिकल सर्कल रेडी हो गया है। यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, 1 हमने बना ली है, 2 और 3, ये हमारे पास 3 चेन रेडी हो गई है। नेक्स्ट यहाँ से डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे रिंग में। अगेन जैसे हमने फर्स्ट यहाँ से ये वाला बनाया है ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट और सेकंड राउंड जो है हम सेम यही वाला बनाएंगे। डबल क्रोशिया 13 टाइम। ओके फ्रेंड्स, अभी हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पे अगेन एक ही स्पेस में से हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। अगेन लास्ट में जाएंगे डबल क्रोशिया 2 टाइम और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था चेन में जाएंगे, स्लिप स्टिच लेंगे और बाहर आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अभी हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। थर्ड राउंड के लिए 1, 2, 3 चेन, सेम स्पेस में से डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे 1 टाइम डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे 2 टाइम डबल क्रोशिया सेम स्पेस में से। नेक्स्ट वाले में जाएंगे 1 टाइम डबल क्रोशिया। नेक्स्ट 2 टाइम डबल क्रोशिया। नेक्स्ट 1 टाइम डबल क्रोशिया। ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। 1 2 1 2 1 2 ऐसे रेशियो कंटिन्यू करके अपना ये वाला जो है राउंड इसको कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम एंड में आ गए हैं। एंड में अगेन 1 टाइम डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्पेस में से 2 टाइम डबल क्रोशिया। जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था वहां से चेन में डालेंगे और स्लिप स्टिच लेके बाहर आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा थर्ड राउंड रेडी हो गया है। अभी ये हमारा बॉटम है जो हमने फ्लावर पॉट का रेडी किया है। अभी हमने यहाँ पे इसकी वॉल बनानी है। वॉल बनाने के लिए यहाँ से 1, 2, 3 चेन बनाएंगे और ये जो चेन है इसकी यहाँ से बैक साइड लेंगे और यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट बैक साइड से हम चेन में से यहाँ से उठाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही सभी चेन के ऊपर से हमने 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। 1 टाइम ओके फ्रेंड्स, ये सभी चेन की बैक साइड से हम जो है डबल क्रोशिया कंटिन्यू करेंगे और ये जो ऐसे खड़ा हो जाएगा
एक वॉल के जैसे ये हमारा बॉटम हो जाएगा फ्लावर पॉट का। देन यहाँ से ये वॉल बननी स्टार्ट हो गई है, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे और अपना ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम एंड में आ गए हैं। एंड में अगेन यहाँ से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में से वन टाइम डबल क्रोशिया और ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। लास्ट में ऐसे फर्स्ट वाले चेन में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया करके बाहर आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा जो है फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ऐसे जो है हमारी जो है ये बाउंड्री रेडी हो गई है। नेक्स्ट अगेन हम इसके ऊपर सेकंड राउंड बनाएंगे। सेकंड राउंड बनाने के लिए हुक में डालेंगे स्टिच को। अगेन यहाँ पे थ्री चेन बनाएंगे, वन टू थ्री, डबल क्रोशिया करेंगे वन टाइम, सेम स्पेस में से डबल क्रोशिया सेकंड टाइम। जो ये हमने सेकंड वॉल करनी है, सेकंड बाउंड्री, यहाँ से हमने ये बैक साइड से स्टिचेस नहीं उठाने, बल्कि यहाँ पे हमने जैसे हम नॉर्मल चेन में से लेते हैं ऐसे ही हमने लेने हैं। सेम हम जो है चेन के फ्रंट और बैक साइड दोनों से स्टिच उठाएंगे और सभी जो है चेन के ऊपर वन टाइम डबल क्रोशिया कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड, ये जो है हमारी बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर हम ये सेकंड राउंड बना रहे हैं। ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे और अपना ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लास्ट में आ गए हैं राउंड के। अगेन यहाँ पे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्पेस में से डबल क्रोशिया, ये हमने टू टाइम जो है यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बना दिया है। लास्ट में अगेन इस स्पेस में से डबल क्रोशिया करेंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से चेन में इंक्रीज करेंगे और स्लिप स्टिच लेके बाहर आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने ये सेकंड राउंड बनाया है सेम हम ऐसे ही थर्ड राउंड भी बनाएंगे और फोर्थ राउंड भी सेम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड, अभी हम फोर्थ राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अगेन यहाँ से सिंगल क्रोशिया सिंगल स्टिच बनाएंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया वन टाइम बनाएंगे, लास्ट में अगेन डबल क्रोशिया वन टाइम, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से स्लिप स्टिच लेके बाहर आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी फोर रो है जो रेडी हो गई हैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों जो हैं दो ये सेम है। इसमें ना हमने कोई इंक्रीज किया ना कोई डिक्रीज किया है, इनको हमने सेम कंटिन्यू किया है। अभी हम अपनी फिफ्थ राउंड बनाएंगे। फिफ्थ राउंड के लिए वन टू थ्री चेन, सेम स्पेस में जाएंगे, डबल क्रोशिया थ्री टाइम, वन टू थ्री, नेक्स्ट वन टू, इसको छोड़ देंगे और थर्ड वाले में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे, यहाँ से स्लिप स्टिच लेंगे और बाहर आ जाएंगे। वन टू थ्री चेन बनाएंगे सेम स्पेस में, थ्री टाइम डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, अगेन वन टू, इसको स्किप करेंगे चेन को और थर्ड वाले में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे,
यहाँ से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और बाहर आ जाएंगे। ओके फ्रेंड, ये फिफ्थ राउंड में हमारा ऐसा डिजाइन बनेगा। नेक्स्ट 1, 2, 3 चेन, सेम स्पेस में से 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 1, 2 चेन को स्किप करेंगे, थर्ड वाली चेन में जाएंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे और बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और अपना ये फिफ्थ राउंड कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम फिफ्थ राउंड के एंड में आ गए हैं। अगेन यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 3 टाइम सेम स्पेस में से डबल क्रोशिया करेंगे, 2 स्किप करके यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसे हमारा ये वाला राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सिंगल स्टिच बनाएंगे, थ्रेड को ऐसे बाहर करेंगे और कटर की हेल्प से कट करेंगे, थ्रेड को अच्छे से टाइट करेंगे और अंदर की साइड से इसको हाइड करेंगे। ओके फ्रेंड, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे, ओके फ्रेंड्स, ये हमारा पॉट जो है रेडी हो गया है। नेक्स्ट हम ऐसा जो है आइसक्रीम का एक जो है कंटेनर ऐसे लेंगे, इसका जो ऊपर का एरिया है हमने वो कट कर दिया है, देन इसको इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, ये हमने इसके अंदर जो है इंसर्ट कर दिया है। नेक्स्ट ऐसे इनको फोल्ड करेंगे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे। नेक्स्ट इनको ऐसे उठाएंगे, फोल्ड करेंगे, देन यहाँ पे सेट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड वाले को भी ऐसे लेंगे, फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ पे सेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा जो है फ्लावर पॉट रेडी हो गया है। और ये टी कोस्टर भी रेडी हो गया है। ओके फ्रेंड, आपको जब चाहे इसको यूज करना है, आप इसको ऐसे निकालें, देन इसको ऐसे सेट करें और ऐसे ये हमारा टी कोस्टर रेडी हो गया है। नेक्स्ट यूज होने के बाद आप इसको ऐसे पकड़ के अगेन ऐसे फोल्ड करके इसमें दोबारा से सेट करके रख सकते हैं। देखने में ये बिल्कुल एक फ्लावर पॉट के जैसे दिखाई देता है। ये हमारा टी कोस्टर सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू गाइस।